एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो पहले थोड़ा थोड़ा वीडियो के शुरू में ये बता देती हूँ कि मैं किस सिचुएशन के बाद से वीडियो बनाने आई हूँ। तो मस्त शाम का टाइम हो रहा था, मैं कूलर वूलर पर ठंडी हवा खा रही थी, तो मुझे नहीं पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ही कूलर बंद किया मैंने कहा इतना वीडियो बना लेते हैं, शाम के 7 बज गए हैं और कुछ पता नहीं है। तो पड़ोसियों से आवाज़ आती है चिल्लाने की, बच्चे चिल्लाने की, ये करने की। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हल्ला ही अच्छा लगता है, तो वो कूलर की आवाज़ धन धना धन वो सब अच्छा लगता है मुझे, ये सब चिंगड़ी मिंगड़ी आवाज़ों से। ऐसा आपने जब आपका टाइम आएगा तब भी होगा, लोग कह सकते हैं, पर वो बहुत अलग है। बट अभी जब इंसान कुछ काम करना चाहता है दिन के 10-15 आधा घंटा, ठीक है, तो वो भी नहीं कर पा रहा है थोड़े शोरगुल की वजह से। तो आए तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेटअप है नहीं कि मैं कहीं जाके करूँ। वैसे भी मुझे ये वाइब पसंद है थोड़ी बहुत, चाहे मैं कितना भी इसको ताने मार लूँ। तो आ जाते हैं हम वीडियो की, हमने ये गाना क्यों चूज़ किया। ठीक है, पहले तो सिचुएशन बता दी है, ये सब बोलने के तरीके होते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ बढ़ानी मुझे नहीं आती है, लेकिन मेरे को बिना बकवास के मज़ा नहीं आता शुरू करने में। ठीक है, ये वीडियो कैसे उठाई मैंने, ठीक है, इसका साफ सीधा सीधा रीज़न है, विजय सेतुपति लिखा था कि जो भी लिखा था, मेरा भाई साउथ की वीडियोज़ बहुत, साउथ की मूवीज़ बहुत देखता है। ठीक है, तो उसी के मुँह से मैं सारे एक्टर्स के नाम सुनती थी। तो सेतुपति जैसा सुनने में लग रहा था, समझ में आ रहा था कि हाँ ये सुना नाम लग रहा है। तूने नहीं सुना है ऐसा नहीं है, बट मेरे को ना सबके नाम एक ही जैसे लगते हैं, तो और कोई वो बात नहीं है, मेरे को सच में लगते हैं। नहीं आता मेरे को समझ में कि अच्छा ये नाम ये है परफेक्ट, ये नाम ये है। तो फिर अब ज़्यादा बोल दिया है मैंने, 2 मिनट होने वाले, मैं देखती भी रहती हूँ टाइम लिमिट। तो फिलहाल आ जाओ गाने पे, देखते हैं, करते हैं रिएक्शन और कैसा लगता है पता चल जाएगा। गाने के साथ साथ ही पता चल जाता है, मुझे लगता है कि अलग से आपको बोलना पड़ता है, आपके हाव भाव आपकी चीज़ें बता देती हैं कि गाना कैसा था। बच्चे पीछे से फॉर्म में ज़्यादा आ रहे हैं, तो फटाफट से गाना शुरू कर देते, ठीक है, बीच में आवाज़ आएगी तो कोई नहीं, इग्नोर ही करना है। अच्छा 1 2 3 प्ले, थोड़ी वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं। एक मिनट, मैं देख लूँ कि जरा हिंदी में भी है ये गाना। भाई साहब क्या एनर्जी के साथ शुरू हुआ ये गाना, क्या ही एनर्जी लेओगे इससे ज़्यादा आप। अच्छा हिंदी में तो नहीं है, कोई नहीं, हमें कौन सी और सारी लैंग्वेज आती है। आ जाओ, फील द वाइब, फील द म्यूजिक एंड फील द डांस। ये क्या करा, फील द डांस डांस। इतना मुश्किल है खुद को काबू करके बैठ गए यहाँ पे हिलना, मैं पूरी रिंग लाइट भी वो कर देती हूँ, पता है कभी कभी ये नीचे गिर के आ जाती है, क्योंकि बैड भी रख रखा सिस्टम सारा, और ऐसे 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 हिल, क्योंकि हद हद एनर्जी डाल रखी है गाने में। अच्छा बता देती हूँ फिर से बीच में कि मैं स्क्रीन को इसलिए भी नहीं देख रही हूँ क्योंकि स्क्रीन में जब डांसिंग स्टेप नहीं आ रहे तो सिर्फ वो चीज़ चल रही है, तो मेरे को पसंद है उस पर खो जाके, थोड़ा सा खो ही जाना म्यूजिक के साथ। क्या करूँ देख के, जब डांस स्टेप आ रहा है तो देख रही हूँ, ठीक है, तो लोग कहते हैं अरे देखो देखो, देख रही हूँ। अच्छा संजय दत्त भी है,
பல கொதிக்குது பார் அந்த காலழகு அடிதடி விட்டு குத்து எங்க விட்டு சமையல் வர அட கலந்திருக்கு கட்டி பல கட்டி எங்க என்ன குத்த காத்திருக்கு அதுதான் கணக்கு இந்த கதி வர ரகம் வானா ஸ்கெட்சி எனக்கு புரிதா உனக்கு மில்லி உள்ள போனா போதும் மில்லி வெல்ல कमर दर्द हो गई। ये कैसा रिएक्शन था मेरा? मेरी कमर दर्द हो गई। आहा, मैंने रिएक्शन किया, मैंने पूरा डांस कर दिया है। तो मैं बता दूं कि मुझे गाने की बस पोस्टर वो कुछ है और अन्ना रेडी और बहुत सारी चीज सक्सेसफुल करके एक वर्ड बोला था बीच में, ये समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मेरे को साउथ, यार क्या हो गया, मुझे बंगाली भी समझ में नहीं आती तब भी सुनती हूँ, मेरे को उर्दू भी समझ में नहीं आता है तब भी सुन लेती हूँ। हाँ, उर्दू समझ नहीं आता तब भी सुन लेती हूँ, मेरे को बंगाली समझ नहीं आती तब भी सुन लेती हूँ, मेरे को साउथ इंडियन कहाँ से आएगा वो भी सुन लेती हूँ, क्योंकि अपन तो एक ही भाषा में परिपक्व है। परिपक्व मतलब अच्छी है, वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी से जन्मे हैं हम ना, मतलब हिंदी के इर्द गिर्द घूमे हैं, तो क्या कर सकते हैं, इर्द गिर्द भी थोड़े उर्दू वर्ड्स हैं, कुछ ज़्यादा ही तारीफ मार दी मैंने अपनी। तो गाना कुल मिला के बहुत तगड़ा था, क्योंकि एक तो साउथ के एक्टर्स मैंने देखे बहुत सारे, सब लोग डांस में परफेक्ट होते ही होते, सबके अंदर परफेक्शन, एक तो नाट नाट नट क्या यार, ऑस्कर पर पहुँच गया अपना गाना, तो मतलब इनके डांस की कोई वो ही नहीं है, ऊपर से इतनी एनर्जी भर देते हैं, लगता नहीं है कि कोई ऐसे 40+ आदमी 50+ आदमी भी करे, पता नहीं है 50 मुझे पता नहीं है, बट कर सकते हैं लोग, 50+ में भी बहुत तगड़ा कर डालते होंगे एनर्जी। तो मेरी तरफ से इस गाने ने, मैंने सुना नहीं है इस गाने को, मैंने डांस करके नाच के वो कर दिया है, तो जो लोग सुनने के शौकीन हो म्यूजिक वो लोग और चीज़ को देख लेना, और जो लोग वाइब को फील कर रहे हैं वो मेरी तरह कमर तोड़वा लो गाना देख के। तो आप लोगों को मेरे साथ देख के अगर मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है इन डिस्क्रिप्शन, ये सब भी बोलना पड़ता है ना, क्या पता एक बार चक्कर मार ही लो, तो बाय। वाह।